बड़ी आसानी से कह दिया आपने, लेकिन कल जब चंदा इस घर में आ जाएगी और उसकी छोटी से छोटी गलती पर भी गोपाल की बहन होने का ताना दिया जाएगा और यहीं से उसके साथ अन्याय शुरू हो जाएगा। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, कल क्या होगा उसकी चिंता आज क्यों करें हम? क्योंकि कल तभी बेहतर होगा ठाकुरायन कि जब हम उसे आज से ही बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अरे जब परेशानियां सिर पर आकर खड़ी हो जाएगी तब उसका हम उपाय ढूंढेंगे। तो आप ही बताइए क्या करें हम? हमें तो अपने राजन की खुशी चाहिए और उसकी खुशी के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। ठाकुरायन यही सोच बदलनी होगी, राजन की खुशी के साथ साथ हमें उस बच्ची की खुशी का भी ध्यान रखना होगा जो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे घर आई। एक बात और ठाकुरायन, चंदा के आने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य अंजलि और गोपाल के टूटे रिश्ते का जिक्र नहीं करे और कभी चंदा को गोपाल की बहन के रूप में नहीं देखेगा। क्या करें? शपथ पत्र भर के दें? आपने कह दिया, ध्यान रखेंगे इस बात का। अरे सुनंदा को भी मैं समझा दूंगी, लेकिन पहले आप अपने आप को तो समझा लीजिए। सबसे ज्यादा तो आप परेशान हो रहे हैं। इसी डर से तो परेशान हूं ठाकुरायन कि मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूं कि वो गोपाल की बहन है, तो फिर औरों का क्या होगा? विजेंद्र हो या सुनंदा, दोनों ही पहले से इस रिश्ते के खिलाफ थे। कहीं ऐसा ना हो कि चंदा के साथ न्याय करें या ना करें, अपने राजन के साथ अन्याय ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा, चंदा के साथ न्याय भी होगा और राजन की खुशियों की परवाह भी की जाएगी। राजन की खुशी जब चंदा से जुड़ी है तो चंदा को खुश रहना ही होगा। हाँ ठाकुरायन, यही बात हम सबको समझनी होगी। राजन चंदा से बहुत प्यार करता है और हम राजन से, और अगर राजन को खुश रखना है तो हमें चंदा को भी खुश रखना होगा। ऐसा ही होगा, आपका आदेश सर आंखों पर। आप तो जरा मुस्कुरा दीजिए। लगी माँ, ये गोपाल कहाँ रह गया? अरे सगाई की तैयारियों में जुटा है। कैटरिंग वाले को, टेंट वाले को शादी के दिन के लिए बयाना देना पड़ता है ना, तो वो सब चीजें पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। वक्त के साथ साथ सब कुछ कितना बदल गया है। हमारे समय में तो ना ये कैटरिंग वाले होते थे और ना ये तामझाम। बस गांव वाले ही एक दूसरे की मदद से बड़ी शादियां कर लेते थे। अरे माँ, वो जमाना अब कहाँ रहा बताइए ना। आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं, और अगर टाइम है तो सहायता करने की भावना नहीं। कैसे वैसे वक्त निकाल के लोग न्योता दे आते हैं। खास तौर से माँ, आजकल जितने भी काम होते हैं ना, ठेके पे होते हैं। अरे, जी राधा बेटिया, पानी लेकर आओ। अच्छा, वो पप्पू टेंट वाले को बयाना दे दिया? जी हाँ बाबूजी। और हलवाई कौन है? हलवाई अपना क्षेत्र और राजू को कैटरिंग। और रसगुल्ले वहीं से मंगा रहा है ना, वो नहर दोदोली से? जी हाँ, नहर दोदोली वाला। अरे इसे सांस तो लेने दीजिए, जब से आया है प्रश्नों की बौछार ही चालू रखी है। और हाँ, वो फ्रूट जूस कोल्ड ड्रिंक वाले को बोला कि नहीं किसको? जी हाँ बाबूजी, वो अपना गोपी है ना, उसका कोई जानकार है तो उसको बोल। मतलब मोहल्ले के दादा लोग भी इस विवाह में तुम्हारी मदद कर रहे हैं।
गोपी बहुत अच्छा लड़का है। वो हमारी ही नहीं सारे गांव की मदद करता है। झूठ मूठ का लोग उस पर इल्जाम लगाते रहते हैं। अरे गोपी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी सौंप कर निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। अक्सर परेशानियां उसके बाद ही शुरू होती हैं। नहीं नहीं बाबूजी, मैं अभी गोपी को फोन लगा के पूछ लेता। हाँ भैया बोलिए। हाँ गोपी, वो फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया? हाँ भैया बोल दिया है। अच्छा अभी कहाँ हो तुम? भैया अभी हम फाफा मऊ पुल से निकले हैं भैया। अच्छा एक मिनट होल्ड कर। बाबूजी अपने यादव जी से दूध का ऑर्डर करवा लेंगे? दे दो 50 लीटर का। अच्छा सुन, वहाँ पे रामपाल यादव जी की दूध की डेयरी है ना? हाँ हाँ। वहाँ पे 50 लीटर दूध का ऑर्डर दे देना। ठीक है भैया, अभी आते आते बोल देते हैं। क्योंकि दही उन्हीं के दूध से जमाना है, ठीक है? और बाकी बकाया दूध यहाँ की डेयरी से ले लेंगे। हाँ भैया आप चिंता मत कीजिए, हम बोल देते हैं। ठीक है भैया, रखते हैं। चल ठीक है बाबूजी, सब कुछ हो गया। बाकी फिर भी मैं चेक कर लूं। हाँ देख लो। अरे बेटा सारा काम अपने सर पे क्यों ले रहे हो? सबको काम बांट दो, तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। Yes, this is the right thing, my beautiful old lady। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, दूध ना हो पूतो फले टाइप के मामा। अरे पगले, ये आशीर्वाद तेरी पत्नी को दिया जाएगा। क्या? ताड़ की तरह लंबा हो गया है लेकिन अकल बच्चों वाली ही है। अरे बच्चा ही तो है, चंदा से भी 5 मिनट छोटा है, सोचो। क्या चाहता है तू? चंदा के साथ साथ तेरी भी शादी कर दी जाए? नहीं नहीं माँ, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, ना ना, अभी तो मुझे पूरी लाइफ एंजॉय करनी है। और वैसे भी अभी मेरी उम्र क्या है? तो इसका मतलब हमने शादी करके? अरे नहीं नहीं भैया, मेरे कहने का आप गलत मतलब मत निकालिए। अभी सॉरी माम, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे कुछ काम तो बताइए, कुछ जिम्मेदारी दीजिए मुझे। हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं। सबसे बड़ा काम ये करने वाला है, पता क्या काम है तुम्हारा? क्या? तुम्हें कुछ काम नहीं करना है। माम मैं अपना काम खुद ही डिसाइड कर लूंगा। लो अभी ये डिसाइड करेंगे। हेलो, क्या कर रही हो? बस तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तब तो इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब नहीं हूँ। नहीं राजन, मैं तो तुम्हें पाकर यही समझती हूँ कि दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मैं ही हूँ। ओहो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। अच्छा चंदा यार सुनो ना, तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था, बोलो तो आ जाऊँ? मैं तो तुम्हारे दिल में रहती हूँ, यही कहते थे ना, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो हमेशा कहता था तुमसे, तुम मेरे दिल में रहती हो। अब यकीन ना हो तो दिल चीर के दिखा दूं? ना बाबा, ऐसा नहीं कह सकती। डॉक्टर हो, सच में दिल चीर के दिखा दोगे? हाँ तो फिर मेरी बात का यकीन कर लो। यकीन तो इतना है जितना अपने आप पर भी नहीं है। चंदा, हमारे इस यकीन ने ही तो हमें जुदा होने से बचा लिया, वरना हमारे परिवारों की दुश्मनी तो हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को उसके बारे में सुनना तक नहीं चाहते थे। दोनों परिवारों के बीच इतनी गहरी खाई जो बन गई, मैं तो डर गई थी कि क्या इस खाई को हमारा प्यार पाट पाएगा। हाँ चंदा, सच कहूँ तो मुझे भी यही डर सता रहा था कि हम दोनों के परिवारों की दुश्मनी के कारण कहीं हम दोनों को जुदा ना कर दिया जाए। पर चंदा
तुम्हें याद है वो पल जब हम दस हजार इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास अभी। ओके मैडम, तो मैं अपने हॉस्पिटल के एचओडी से बात करनी पड़ेगी। अरे जब तक आप एचओडी से बात करेंगी, फॉर्म फिल कराएंगी, तब तक तो बहुत खून बह चुका होगा उसका। अब अच्छा आप एक काम करिए, ये चेन ले लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ वो हनुमान मंदिर जाना था ना, आज मंगलवार है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। देखिए फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आइए। अच्छा ठीक है। आइए प्लीज। हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, चलते रहेंगे सातों जन्म मेरे सनम मेरे सनम सनम मेरे सनम। हेलो हेलो कहाँ खो गए? हेलो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ सोचने लगा था। अच्छा चंदा, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जहाँ चाह सच्ची होती है वहाँ रास्ते खुद ब खुद मिल ही जाते हैं। देखो ना हम दोनों मिल ही गए। सच कहूं राजन, एक एक पल कैसे बीता है याद करती हूं तो आंखें भर आती हैं। चल, बीती बातों को बुरे सपने की तरह भूल जाने में ही अच्छाई है। देखो ना अब हमारे सपने जल्दी ही सच होने वाले। अच्छा बाबा ठीक है, चलो बहुत बात हो चुकी, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। अच्छा ठीक है, बाय बाय। ये जो आपका मुंशी है ना, उसका दिमाग सातवें आसमान पे चला गया है। एक काम भी सही से नहीं करता है वो। हर आदमी हमी को फोन करके परेशान कर रहा है। आप बताइए वो जो नैनी वाला बिल्डिंग का काम है वो पूरा का पूरा बाकी पड़ा है। अब तो हद्दी हो गई है विजेंद्र की हरकतें। अरे मुंशी जी को नौकरी से निकाल दिया, उनको जिंदगी भर जिन्होंने हमारे लिए काम किया है। बाबूजी, बाबूजी, आइए आइए, उतारिए अपने लाडले की आरती, बहुत बड़ा काम करके आए हैं। ठीक है, ये बतिया बाबूजी को कहां से पता चल गई? बाप रे, लगता है कार शोरूम वाला बाबूजी को बताया है।
देखिए अब विजेंद्र आ गया है, अब उसी से पूछ लीजिए कहाँ सही कहाँ गलत। ठकुराइन, अभी क्या पूछने की जरूरत है? हमारे इतने पुराने मुलाजिम को निकाल दिया, हमसे पूछा तक नहीं, और आप कह रही हैं कि इनसे पूछे कि सही क्या है और गलत क्या है? अरे एहसास भी है इन्हें सही और गलत का। ओहो, ये बात है, ये मुंशिया सब गड़बड़ कर दिया। बाबूजी बात खुद ही हम आपको बताने वाले थे, ये जो आपका मुंशिया है ना, उसका दिमाग सातवें आसमान पे चला गया है, ये काम भी सही से नहीं करता है। वो हर आदमी हम ही को फोन करके परेशान कर रहा है। आप बताइए, वो जो नैनी वाला बिल्डिंग का काम है वो पूरा का पूरा बाकी पड़ा है, सब आदमी हमको फोन ही आ रहा है, अब सब अपना पोजीशन मांग रहे हैं, कहा जवाब दे हम सबको। अरे ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें उसे निकालना पड़ा, हमसे पूछा तक नहीं? अरे अब तो तुम भी बड़े हो गए हो, क्यों पूछोगे हमसे? देखो बेटा, काम कितना भी छोटा हो कर लो, लेकिन नाम कभी खराब नहीं होना चाहिए। माफ कर दीजिए बाबू, गलती। हमको नहीं मालूम था कि हमारी हरकत से आपका इतना दिल दुख जाएगा। अरे हमसे ज्यादा तो उसका दिल दुखा होगा जिसे तुमने एक छोटी सी गलती के लिए नौकरी से निकाल दिया। अरे इस तरह कोई किसी को जलील करता है क्या? अब जाने भी दीजिए ना, उसने गलती मान ली है। रही बात मुंशी जी की, तो आप उनको फिर से बुला लीजिए। आपको क्या लगता है मैंने प्रयास नहीं किया होगा? अरे आपके सपूत ने उसे इस तरह भला बुरा कहा कि वो किसी भी हालत में वापस से काम करने को तैयार नहीं है। कहने लगा, ठाकुर साहब अब और बेइज्जती इस उम्र में नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। अरे जरा सोचिए किस तरह का सलूक किया होगा तुम्हारे इस लाडले ने। ये मुंशिया तो हमारे पूरे अरमान पे पानी फेर दिया, हमारे नए कार का टायर ही पंचर हो गया। अब तो भलाई इसी में है कि निकल लो बेटा, बाबूजी भी भिगा भिगा के मार रहे हैं। अब कारोबार की बात करना बेकार है। अरे ये देखो तुम्हारे लाडले निकल गए, चले गए। इनकी आरती उतारो बैठ के। भाभी आप भी ना, न जाने क्या क्या। अरे ई आप ही की बात नहीं है, शुरू शुरू में सबकी हालत ऐसे ही होती है। अच्छा आपकी भी? आप भी हम ही को चिपका दिए। फोन मिलेगा? चंदा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? एक बार फिर से ट्राई करता हूं। कहां है फोन? भाभी आप? अब का हुआ देवर जी, अब काहे की बेचैनी? तो आप ही के मन के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं भाभी। अच्छा अच्छा, ये चंदा से मिलने की बेचैनी है? अरे धीरज रखिए, वो दिन भी आएगा। कहते हैं ना कि मिठाई धीरे धीरे खाई जाए,
तभी ज्यादा मजा आता है। भाभी आप भी ना, न जाने क्या क्या। अरे ये आप ही की बात नहीं है, शुरू शुरू में सबकी हालत ऐसे ही होती है। अच्छा आपकी भी। आप भी हम ही को चिपका दिए। अच्छा चलिए, सब लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी अभी भूख नहीं है। ई लो, कल तक भूख इसलिए नहीं लग रही थी कि चंदा से रिश्ता जुड़ने की तड़प थी, और अब जुड़ गया तो फिर काहे को। अरे अब तो खुलकर भूख लगनी चाहिए। अच्छे से खाइए पीजिए, तंदुरुस्ती बनाइए, वरना आपकी चंदा कहेगी कि आपकी भाभी ने आपका ख्याल ही नहीं रखा। अच्छा भाभी आप चलिए ना, मैं आता हूँ। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी क्यों है? सॉरी ब्रदर। क्या हो गया भाई साहब, आपको सॉरी तो बोल दिया ना। सच कहूं चंदा, तुम्हें अपना दिल चीर कर तो नहीं दिखा सकता, पर तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि जब तक इस दुनिया में रहूंगा, मेरे दिल में केवल तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार रहेगा। तू जानती भी है ये कौन है? राजन है ना? गजेंद्र सिंह का बेटा, अंजलि का भाई। और इसका पूरा परिवार मुझे आज भी अंजलि की मौत का जिम्मेदार मानता है। वो तो अच्छा हुआ कि जो मैं आज यहां आ गया, तो इसने तेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कब तक अपने आप से और चंदा से झूठ बोलता रहेगा? तब तक जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि मैं चंदा के साथ प्यार नहीं बल्कि प्यार करने का झूठा नाटक कर रहा था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चंदा और इस घर की बहू हरगिज़ नहीं। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसकी बहन चंदा से तेरा रिश्ता कर दूंगा? बहुत सही बेटा, बहुत सही। इतनी जल्दी अपनी बहन की मौत को भूल गया, और यह भी भूल गया कि उसका कारण कौन है। इंटरनेशनल फ्लाइट है इसलिए थोड़ा जल्दी जाना होगा। बिल्कुल सही कहा। भैया आपके बिना ये घर बहुत सूना हो जाएगा, इतने दिन हम आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? अंजलि, अंजलि मेरी बहन, ये नहीं हो सकता।